श्रीनाथपुरम अग्निशमन केंद्र के पास स्थित मल्टी स्टोरी में कबूतरों से बचाने के लिए लगाए गए जाल में कई कबूतर फंस गए। ऐसे में कबूतर जाल से बाहर नहीं निकल सकने के कारण उसमें ही कैद हो गए और रोज कबूतर मर रहे हैं। इनकी मौत से दुखी होकर यहां रहने वाले लोगों ने इसकी शिकायत मल्टी समिति को दी, लेकिन वहां से कोई उपयुक्त कार्रवाई नहीं किए जाने पर वन विभाग में इसकी सूचना दी गई। वन विभाग सूचना मिलते ही मल्टी स्टोरी पहुंचा, जिन्होंने मल्टी स्टोरी के ऊपरी तल पर लगे सभी जालों को काट कर हटाया और कबूतरों को मुक्त करवाया। इसके लिए वन विभाग ने नगर विकास न्यास के अतिक्रमण विरोधी दस्ते का भी सहयोग लिया। मल्टी में रहने वाले लोगों ने बताया कि मेंटेनेंस करने वाले कर्मचारियों ने कबूतर आने से रोकने के लिए जाल लगाए थे, लेकिन जाल लगाने से पूर्व कबूतर बाहर नहीं निकले, इसी कारण कबूतर उसमें फंस कर रह गए और जाल में फंसने के कारण कबूतर अकाल मौत के शिकार हो रहे थे, जिन्हें आज मुक्त कराया गया है। ये नेट जो था ये 3 साल पहले लगा था यहाँ, ये जगह जगह इसे कट फिट गया था, इसकी वहाँ से काफ़ी कबूतर इसमें 50-60 कबूतर इसमें एंट्री कर गए थे, तो रिपेयर वालों को बोला गया था कि भाई कबूतरों को निकाल के रिपेयर करना, बगैर निकाले रिपेयर करके और वो लोग चले भी गए और नीचे लोहे के गेट लगा दिए। दोनों तरफ आप देखोगे लोहे के गेट हैं, तो ये कबूतर जा नहीं सकते। इन्होंने अपने अंडे बच्चे दे रखे हैं यहाँ पर, ये अपना दाना पानी चुगने के लिए बाहर नहीं जा रहे। नीचे हमने ये पानी वगैरह रखने की व्यवस्था करी, लेकिन नीचे कबूतर डर के मारे आ नहीं रहे, क्योंकि बिल्ली का इनको डर सताता था पहले, उस चक्कर में गेट भी लगाए थे। और इतने कबूतर डेली 2-3 कबूतर यहाँ मरते भी हैं, जाल में फंस के भी मरते हैं, उनको जो है हमारे सफाई कर्मी जो है वो डेली डिस्पोज कर देते हैं।